उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सबुआ गांव में एक महिला ने अपने 2 साल के बच्चे के साथ फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल मृतका के पति गाड़ी चलाकर परिवार को पालता था, बुधवार को भी वो बुकिंग पर गया था। दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी और उनका 2 साल का बच्चा भी था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ गांव छोड़कर कस्बा चरखारी में किराए के मकान में रहते थे। वहीं मंगलवार को पति अपनी पत्नी सपना और बच्चे के साथ गांव चला गया था। उसके माता पिता किसी काम से पड़ोस में गए थे। वहीं सपना ने खाली कमरा पाकर अपने 2 साल का बेटा बाबू के गले में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा दी। दूसरी तरफ सपना ने खुद को भी फांसी लगा ली। कुछ ही देर बाद मृतका के ससुर किशोरी यादव जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहू और नाती को फंदे से लटकता हुआ देखा। उन्होंने दोनों को बचाने की कोशिश भी की और शोर मचा दिया। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने शव को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी। वहीं मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले महीने ही उनकी बेटी शादी के मौके पर घर आई थी, वो अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मृतका का पति जबरदस्ती उसे ससुराल ले गया था। वहीं अब महिला ने अपने बच्चे के साथ अपनी भी जान दे दी।